हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा है टॉर्जन। इससे पहले एक वीडियो अपने बना चुके हैं, क्लासेस की हो चुकी है। चलिए अपने पॉइंट पे बात करते हैं कि इससे पहले अपने क्या पढ़ चुके हैं। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं, टॉर्जन इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं अपने, उसके बाद टॉर्क के, टॉर्जन के बारे में, सबके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आप पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो पहले वो देखिए ताकि आपको आज की क्लास समझ आ सके। तो आज अपने बात करते हैं पोलर मॉडुलस के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय, पता नहीं रह कहाँ लगेगा, मापांक। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुवीय मापांक कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है जेड पी से। किससे डिनोट किया जाता है, जेड पी से। ठीक है, आप इतनी बात है, नॉर्मल बात समझा दी। अच्छा, इसका फॉर्मूला था जेड पी इज इक्वल टू जे अपॉन में आर। जे क्या है उसके बारे में बात करते हैं, आर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जेड पी आप समझ गए क्या है, तो पोलर मॉडुलस है, ध्रुवीय मापांक है। जे का मतलब है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और आर का मतलब है रेडियस ऑफ शाफ्ट। ध्रुवीय, एक बार लिख देता हूं आपको, ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण। आप हिंदी इंग्लिश में, अब मुझे नहीं लगता आप कंफ्यूज हो गए। अगर आपने पहली क्लास देखी है, आपको पता है कि पोलर मॉडुलस और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं। ये मॉडुलस और मूवमेंट में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, तो एक बार सभी रिपीट करेंगे, क्या किसे कहते हैं, जेड पी इज इक्वल टू जे अपॉन में आर, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और रेडियस ऑफ शाफ्ट के अनुपात को क्या कहते हैं अपने, ध्रुवीय मापांक कहते हैं। डेफिनेशन क्या निकल के आती है अपने, द रेशो ऑफ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, PMI मतलब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस इज कॉल्ड PM। PM प्रधानमंत्री नहीं, PM मतलब पोलर मॉडुलस। आप जो डेफिनेशन लिखोगे अपनी कॉपी में उसको पूरा लिखना, ये मत लिखना PMI और PM लिख दो और बाद में आपको समझ ही ना आए। ठीक है, ध्रुवीय जड़ता अघूर्ण और त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, शाफ्ट की त्रिज्या के अनुपात को ध्रुवीय मापांक कहते हैं। आई थिंक मापांक ही कहते हैं, हाँ ध्रुवीय मापांक कहते हैं। इतनी बात है, डेफिनेशन आप समझ चुके हो। उससे आप डेफिनेशन से चाहे फॉर्मूला निकाल लो, चाहे फॉर्मूले से डेफिनेशन निकाल लो, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, दोनों शाफ्ट को अपने पैरेलल लेके चल रहे हैं। आपके सिलेबस में दोनों शाफ्ट है, सॉलिड और होलो, ठोस शाफ्ट भी है और खोखली भी है। तो उसको दोनों को पैरेलल लेके चलते हैं, सॉलिड जिसे अपने ठोस कहते हैं और होलो खोखली, सॉरी। तो अभी फॉर्मूला क्या था अपने पास, जेड पी इज इक्वल टू जे अपॉन में आर। जे को अपने एग्जामिनर आपसे IPV पूछ सकता है, आप उस चीज का ये मत सोचना कि कहां से आ गया। तो जे क्या होता है अपने पास, जे अपने क्या लेते हैं अपने, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण पढ़ा होगा, तब आपको पता होगा जे अपने लेते हैं π/32 इंटू डी की पावर 4। आप सभी को ये चीज पता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपने अगर क्लासेज लगाई है तो। क्या होता है, जे की वैल्यू अपने क्या लेते हैं, π/32 डी की पावर 4, ये सब आपको पता है कहाँ से आई कैसे ही, वो अपनी बात हो चुकी है। आर को अपने क्या लिख सकते हैं, आर को अपने d/2 लिख सकते हैं। आई होप आपको इस चीज में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी d/2 लिखने में। विमा नहीं, क्या आर डायमीटर का आधा ही तो होता है रेडियस, तो इसको d/2 लिखेंगे, d/2। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल गणित है। आप इंजीनियर हो, आपको पता होगा इसको यहाँ से काटा और इसको यहाँ से काटा। जेड पी अपने पास क्या निकल के आया, π/16 डी की पावर 3। ये अपने पास क्या निकल के आया, जेड पी की वैल्यू। जेड पी मतलब क्या है, पोलर मॉडुलस ध्रुवीय मापांक की अपने पास वैल्यू निकल के आ गई है। इजी वे में, इजी आसानी से आपको समझा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से अपने अभी देखेंगे होलो शाफ्ट के लिए क्या होगा, जे अपॉन में आर। होलो शाफ्ट के लिए
ये क्या होता है, पाई बाय 32 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी की पावर 4, ये होता है क्या? पोलर मॉडुलस, मैं फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पाई बाई 32 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। आर अपने डी बटा में 2 लेंगे, इससे ये कट जाएगा। ज्यादा ज्ञान मत लगाना, ये डी कटेगा नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ डी नहीं कटेगा, मैं समझा इसीलिए रहा हूँ, कई बार अपने भूल जाते हैं, आप करके देख सको, एग्जाम में अपने पास सफिशेंट टाइम है तो आप आसानी से उस चीज को देख सकते हैं। तो जेड पी अपने पास क्या निकल के आएगा? पाई बाय 16 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 बटा में डी। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जेड पी, मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए, तो अच्छा सा पेन लेते हैं, बोर हो चुका हूँ मैं इससे रेड और ब्लू से। कहाँ गया मेरे तो दिखते नहीं है, नहीं चेंज करूंगा, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये सही नहीं है, हाँ रेड और ब्लू ही सही है। तो जेड पी इज इक्वल टू जे अपॉन में आर, जे जे कैसे लेंगे, जे किस चीज़ को कहते हैं? पाई बाई 32 डी की पावर 4। आर क्या होता है? आर होता है डी बटा में 2। तो आसानी से अपने इस चीज़ की वैल्यू रखना है, काटा पिटी करनी है, पाई बाई 32 डी 4 डी बटा में 2, इससे ये काट दिया है, एक डी से डी कट जाएगा, तो डी बटा थ्री डी की पावर 3 अपने पास निकल के आएगी। जेड पी इज इक्वल टू क्या होता है? वही सेम चीज़, आई पी होलो शाफ्ट के लिए अपने क्या लेंगे? तो डी की पावर 4 माइनस डी डी की पावर 4, यहाँ पे डी बटा 2 से यहाँ 32 कट जाएगा 16 से, और डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 और बटा में डी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपने एम सी क्यूज देखेंगे टोर्जन के। आर एस खुरमी, मैं फिर बार बार एक चीज़ प्रेफर कर रहा हूँ, आर एस खुरमी यदि आप लोग पूरी कर लेते हो देन आपको आपके लिए सफिशेंट है। आप उस एग्ज़ाम में, मैं 100% तो नहीं बोलता, पर टेक्निकल में आप 95% क्वेश्चन सही करके आओगे, मैं 95% क्वेश्चन की गारंटी लेके चल रहा हूँ। मैं 100 नहीं बोलता, मैं इस चीज़ का नहीं कहता कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो 100 के 100 आप सही करके आओगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो पढ़ाया गया 95% उससे आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं, इतनी इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। देन अपने देखते हैं टोर्जन फॉर सॉलिड शाफ्ट। अगर आपने मेरी पहले जो मैंने क्लासेस डिलीट की है उसमें देखा होगा, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टी इज इक्वल टू पाई बाय 16, क्या था वो? टी मैक्स अपने, मतलब यहाँ मैक्सिमम निकाल लेंगे, टी मैक्स इज इक्वल टू पाई बाय 16 तो डी 3, ये वो फॉर्मूला था। चलिए इस पे बात करते हैं, ये आया कहाँ से, ठीक है, इसको इरेज कर दो, आप कंफ्यूज ना हो जाए, पता नहीं कहाँ से क्या लिख दिया। तो ठोस शाफ्ट के लिए अपने मरोड़ निकालते हैं, कैसे आए? देखो ये सभी को पता है, ये चीज़ टी अपोन में जे और उसके बाद में टो अपोन में आर अपने लेके चलेंगे, ये चीज़ सभी को पता है, किसी को मुझे लगता नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी। कहाँ से लिया है? मरोड़ समीकरण से लिया है, ठीक है। आप हेडिंग डाल लेना टोर्जन फॉर सॉलिड शाफ्ट, कैसे निकला वो अपने बात करते हैं, फिर देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो टी निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे, तो टी इज इक्वल टू जे अपोन में आर इंटू में टो। तो जे अपोन में आर आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, जे अपोन में आर अपना होता है जेड पी, जेड पी इंटू टो इज इक्वल टू टी। तो जेड पी आप सभी को आई होप समझ आ गया होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि तो मेरे फादर साहब आ गए थे तो वो मेरे को देख रहे हैं, मुझे हेजिटेशन हो रही है उस चीज़ से, अभी वो चले गए हैं, तो चलिए मैं उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। देखिए ये जे इधर जाएगा, तो टी इज इक्वल टू जे अपोन में आर इंटू में टो। जे अपोन में आर क्या होता है? जेड पी होता है। किसके लिए निकाल रहे हैं? सॉलिड शाफ्ट के लिए। सॉलिड शाफ्ट के लिए जेड पी क्या होगा? ये रहा, क्या होगा? पाई बाय 16 डी 3। आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो इसको अपने लेके चलेंगे टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 तो डी 3। ये क्या है? टी मैक्सिमम है, अधिकतम है, टोर्क कैसे निकाल लेंगे? आपको फॉर्मूला समझा दिया। एक एक चीज़ अभी वेट कीजिए, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं कोई बुक पढ़ रहा था, मैंने वो बुक से, जब आपने कहा मुझे कि नहीं सर हमें थोड़ा लेवल अप करके बताना है, तो मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी, देखो मैं सीधी बात करता हूँ, तो मैंने जो आपको फॉर्मूला निकाल के अभी बताया है ना, तो उस बुक ने वो ऐसे बता रखा है।
ये पूरा एक प्रॉपर डेरिवेशन है। यहाँ से मैंने ये डेरिवेशन नहीं पढ़ा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं बनना चाहता मैं डेरिवेशन पढ़ूँ, क्योंकि ये मेरे काम का ही नहीं है, तो मैं इसलिए कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़ता। तो आखिरी में उसने यहाँ देखोगे ना आप, तो ये फॉर्मूला निकाल दिया। अब आप खुद सोचिए कि कहाँ ये फॉर्मूला निकालना, कहाँ अपने टॉर्क मैक्सिमम ऐसे निकाल रहे हैं और कहाँ पे अपने ये टॉर्क मैक्सिमम ये ऐसे निकाल रहे हैं। तो आप गलत जगह नहीं हो इस चीज़ के बारे में आपको बताने के लिए मैंने कहा, मतलब इस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो टी पॉन में जे, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, टी मैक्स एक बार फिर लिख देता हूँ, अपने सभी रिपीट करेंगे, टी मैक्स पाई बाय 16, तो डी थ्री कैसे आया वो अपनों ने बात कर चुके हैं, उस चीज़ के बारे में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जे बटा में यार जेड भी लेते हैं, चाहे आप वैसे भी निकाल सकते हो, आप निकालना चाहते हो, पर अभी अपने बात करके आते हैं तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये इस चीज़ के बारे में मुझे वास्तव में बहुत हंसी आती है कि इन डेप्थ पढ़ना इसको कहते हैं और ये आपके काम का नहीं है। उसी प्रकार से सेम जैसे अपने ने पीछे देखा है, वही सेम कंसेप्ट है, टी अपॉन में जे इज इक्वल टू टो अपॉन में आर, टी इज इक्वल टू जे अपॉन में आर इंटू में टो। होलो साफ्ट के लिए बात करेंगे, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, खोखली साफ्ट के लिए अपने बात करेंगे, तो टी अपॉन में जे को अपने क्या लिख सकते हैं, जेड पी लिख सकते हैं। जेड पी क्या है, पोलर मॉडुलस है, ये अपने बात अभी कर चुके हैं। तो टी इज इक्वल टू, इसके लिए जेड पी अपने पास क्या था, पाई बाय 16 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 बटा में डी 4 क्या डी सॉरी। तो उसको अपने लेके चलते हैं पाई बाय 16, तो डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 बटा में डी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पिछले वाले में ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सीधा एग्जामिनर आपसे पूछेगा, कोई फालतू की बात नहीं पूछेगा, वो सीधा आपसे एक पॉइंट में पूछेगा कि टॉर्क मैक्सिमम क्या होता है, और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से आएंगे अपने पास। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखेंगे। तो टॉर्चरफुल होलो साफ्ट अपने बात कर चुके हैं, मैंने इतनी खाली पेजेस को छोड़े हैं, पता नहीं क्यों छोड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं एक एक करके, कैसे क्या किस तरह से है। तो किसी साफ्ट में लगने वाले टॉर्क, मतलब सपोज करो ये कोई साफ्ट है, ठीक है, ये कोई साफ्ट है, ये इसका सेंटर है साफ्ट का, यहाँ इसका आर क्या है, रेडियस है, इतनी बात है। किसी साफ्ट पर लगने वाले टॉर्क के कारण उत्पन्न शेयर स्ट्रेस की रेडियस के है, हाँ शेयर स्ट्रेस, इसको कोमा लगा देंगे यहाँ पे, हाँ, किसी साफ्ट में लगने वाले टॉर्क के कारण उत्पन्न शेयर स्ट्रेस साफ्ट की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, बराबर नहीं होता। मैंने एक MCQ डाला था टेलीग्राम पे, ज़्यादातर 50% से ऊपर बच्चों ने बराबर कहा था, बराबर नहीं होता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, यदि यह कुछ बढ़ेगा, मतलब रेडियस अपने बात करें, मैं पेन चेंज करता हूँ, अभी समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में जो बात किया। देखो यहाँ पे है अपने, तो रेडियस यहाँ पे 0 है, यहाँ कुछ बढ़े तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस भी बढ़ेगा, यहाँ कुछ बढ़े तो शेयर स्ट्रेस भी बढ़ेगा, समानुपाती है, जितना रेडियस बढ़ेगा उससे उतना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस चीज़ क्या अपने कन्फर्म नहीं कह सकते। सपोज करो रेडियस 1 पॉइंट बढ़ गया, एक कोई बिंदु बढ़ गया, एक पॉइंट बढ़ गया, 1% बढ़ गया, कुछ भी कह सकते हो, 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो ये डिफाइंड नहीं है कि जो शेयर स्ट्रेस है वो कितना बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये डिफाइंड होता कि शेयर स्ट्रेस मतलब रेडियस, मैं आपको ये बात लिख के समझाता हूँ, सपोज करो रेडियस 1 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, 1 पॉइंट रेडियस बढ़ गया, अगर टो भी 1 पॉइंट बढ़े रेडियस के बढ़ने पे, तब तो ये होगा बराबर, जो आप लोगों ने बात करी थी, ठीक है, जो आप सभी ने वहाँ पे जो बराबर का मार्क किया था, वो नहीं होता बराबर। समानुपाती का मतलब ये होता है कि रेडियस मानना अपनों ने 1 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है वो पॉइंट, वो बढ़ चुका है, ठीक है, 1 पॉइंट ऊपर आ गया, तो टो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये डिफाइंड नहीं है, अपने समानुपाती उस चीज़ को लेके चलते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इस चीज़ में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा ज़्यादा, तो इसको इरेज कर दो। तो यार ये इरेज करना ना बहुत मुश्किल है,
तो इतनी बात है कि क्या कहना चाहता है, मतलब डेफिनेशन अपने को जो ये दे रखी है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव में आप ये डायरेक्टली आएगा आपके एग्जाम में, इतनी भी बात याद रखना। किसी शाफ्ट में लगने वाले टोर के कारण उत्पन्न शेयर स्ट्रेस शाफ्ट की रेडियस के क्या होता है, समानुपाती होता है, इतनी बात आप याद रखोगे। आगे बात करते हैं धीरे धीरे करके, अपने सभी एक एक बात करेंगे। शाफ्ट के केंद्र पर शेयर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, यहाँ पे रेडियस क्या है, जीरो है, तो शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तो वो जीरो होगा। आपको ये चीज़ पता होगी, आप इतने तो आप इंटेलिजेंट हो से, ठीक है, नहीं हो तब भी आपको समझा दिया। पहली बात मुझे पता है, अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से, देन यू आर फार बेटर देन, दुनिया से बहुत आगे हैं अपन लोग। तो शाफ्ट की परिधि पर शेयर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे समानुपाती है, वही कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, पर एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी चीज़ें समझा रहा हूँ कि इससे भी ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। इसको आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव हेडिंग दे के, देन आप ये तीन चार बातें लिखोगे अपनी कॉपी पे। तो ये क्या कहता है, अगर आर जीरो होगा तो भी क्या होगा, जीरो होगा, ये इतनी बात कह रहा है। आप अगर शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना चाहते हो आप ऐसे लिखोगे। अगली बात ये कह रहा है, अगर आर मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इतनी बात कह रहा है। शेयर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कैसे, समानुपाती है, तो आर अगर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, आर की परिधि मतलब, परिधि मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा की वहां पे पैरामीटर पे उसके, तो वो वहां क्या टो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो समानुपाती है, उससे ऊपर तो रेडियस जा ही नहीं सकता ना। तो रेडियस का जो दायरा है वो परिधि तक है, वो पैरामीटर तक है, वो यहीं तक है, इससे ऊपर रेडियस जा नहीं सकता जो अपने डायग्राम बनाया है। तो आर मैक्सिमम होगा तो शेयर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा, आसान लैंग्वेज में आपको इतनी चीज समझाती है। देन अपने बात करते हैं शेयर स्ट्रेस, सॉरी शाफ्ट के लिए, शाफ्ट और रेडियस का अनुपात शाफ्ट के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहता है, स्ट्रेस आएगा, सॉरी शाफ्ट मैंने गलत लिखा है, मैं एक बार रीचेक कर देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ होगा। हाँ, तो शेयर स्ट्रेस लिख लो इसको अपने, शाफ्ट के लिए शेयर स्ट्रेस और रेडियस का मान का अनुपात बराबर प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहता है, बराबर नहीं रहता। स्थिर मतलब क्या, कि यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ेगा तो जो अपना शेयर स्ट्रेस है वो भी बढ़ेगा, उससे ऊपर जाएगा तो वो भी बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे गया, मतलब सपोज करो 1 2 3 4, तो ये जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे जाने पे टो की वैल्यू कम हो रही है, ऐसा नहीं होगा, शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई होप मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ इस फोर्थ पॉइंट में, मेरे को पहले तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए। फोर्थ पॉइंट में वो ये कहना चाहते हैं, जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ही अपने क्या बढ़ेगा, शेयर स्ट्रेस का मान बढ़ेगा, इसलिए वो स्थिर रहेंगे। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, देखो ये कोई शाफ्ट है, ये उसका एक्सिस होगी, अरे आ जा यार, हाँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैंने 5 पॉइंट 5 बिंदु बना दिए इसके ऊपर। यहाँ पे रेडियस बढ़ा तो शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा, यहाँ पे रेडियस बढ़ा शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि स्थिर रहेगा, जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ही शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि यार तीसरे पॉइंट पे पहुंचे अपने और शेयर स्ट्रेस कम हो गया, ऐसा नहीं होगा। स्थिर का मतलब है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो एक कॉन्स्टेंट तरीके से वो बढ़ेगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ये चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखना। देन अपने बात करते हैं टोर्जनल रिजिडिटी, हिंदी में मैं देखता हूँ इसको कहते हैं मरोड़ दृढ़ता, मरोड़, हिंदी वाले प्लीज़ थोड़ा मेरे से चिढ़ना मत, ठीक है, आप ये मुझे गालियाँ निकालते हो यार इसको तो हिंदी नहीं आती, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक 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 चीज़ और कहते हैं स्टिफनेस, इसे कहते हैं स्टिफनेस को अपने कड़ापन लिख सकते हैं। एक सेकेंड गाइस, हाँ जी, तो मरोड़ दृढ़ता और कड़ापन अपने देखते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं डेफिनेशन वगैरह के बारे में, अपने बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं होता क्या है, कैसे निकलता है, पॉइंट पे बात करते हैं कहाँ से आता है। टी अपोन में जे, सी थीटा अपोन में एल, ये आप सभी ने पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा है, अपनों ने मरोड़ समीकरण के अंदर पढ़ा है, आसानी से, ठीक है, आपको समझ आ गया। अब अपनों ने दो तीन चीज़ें करनी है इसके अंदर, इधर उधर लेके जाना है इसको। देखो इसको अपने इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अपने इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अपने इधर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं,
तो क्या निकल के आएगा वो उसकी बात करते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। टी अपॉन में एल वटा में थीटा इज इक्वल टू सी इंटू में जे, ये होती है मरोड़ दृढ़ता। कितना हार्ड वर्ड लगता है ना, टोर्जनल रिजिडिटी, पर हिंदी वालों के लिए वो आसान है। यही होती है टोर्जनल रिजिडिटी, बस आसान भाषा में समझाऊँ। अब अपने बात करते हैं, ये तो हो गया टेक्निकल लैंग्वेज में, आपको डेफिनेशन भी आगे बताऊँगा, आसान भाषा में समझाऊँगा आपको। सपोज करो ये पेन है, आपको शायद दिख रहा होगा, मैं इधर ले लेता हूँ, मेरी वाइट उस पर आपको सही दिखेगा ब्लैक कलर से। तो मैं इसके ऊपर टॉर्क लगा रहा हूँ, टॉर्क लगा रहा हूँ ना, तो इसके अंदर मरोड़ उत्पन्न हो रहा है। परंतु अब मैं इस पर टॉर्क लगा रहा हूँ तो ये मुड़ नहीं रहा, ये पेन में कोई भी मरोड़ उत्पन्न नहीं हो रहा है उसका, तो मरोड़ कोई भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। उसका एक रीजन है, क्योंकि इसकी मरोड़ दृढ़ता ज़्यादा है, मतलब कितना दृढ़ है वो, कितना वो प्रतिरोध कर रहा है मरोड़ का, उसको अपने कहते हैं मरोड़ दृढ़ता। आई होप अब आप समझ गए होंगे, आसान भाषा में समझा दिया। पेन है, मैं मरोड़ लगा रहा हूँ, पर इस पर कोई भी मरोड़ उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब इसकी मरोड़ दृढ़ता ज़्यादा है। ठीक है, जब मरोड़ दृढ़ता अपने पार कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद में अपना ये चीज़ घूमना चालू हो जाएगी, इसमें मरोड़ उत्पन्न हो जाएगा। आसान लैंग्वेज में आपको इजी वे में अपने समझा दिया। तो चलिए अपने बात करते हैं, टी इंटू एल थीटा इज इक्वल टू सी इंटू में जे, इन दोनों में से आपसे एग्जामिनर कोई भी पूछ सकता है, फर्स्ट और सेकंड, आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे ही अपने अपनी डेफिनेशन भी बना लेंगे, डेफिनेशन बनाना बहुत शौक है। अगर आपको चीज़ पता है तो आप डेफिनेशन बना सकते हो, क्या है आप इसके बारे में, कृत्रिम मापांक वह ये क्या है, पोलर मॉडुलर, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, सॉरी। तो सी क्या है अपने पास, कृत्रिम मापांक व ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को क्या कहते हैं, मरोड़ दृढ़ता कहते हैं। अब डेफिनेशन बनाना इतना ईजी है ना, इतना ईजी है जिसकी कोई हद नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होते डेफिनेशन में। तो चलिए सबसे पहले अपने बात करते हैं डेफिनेशन के ऊपर, होता क्या वो समझा दिया, ईजी लैंग्वेज में समझा दिया। किसी शाफ्ट के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तथा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया के गुणनफल को टोर्जनल रिजिडिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कृतन मापांक, इसको कहते हैं ध्रुवीय जड़ता आघूर। एक बार सभी रिपीट करेंगे, क्या होता है कि किसी शाफ्ट के कृतन मापांक तथा ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण के गुणनफल को मरोड़ दृढ़ता कहते हैं। आसान लैंग्वेज में समझा दिया, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए फुल एनिमेशन लगाई है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाफ्ट की इकाई लंबाई में, अरे यार हाँ ये थोड़ा सा, हाँ ये अपनों ने लिखा था ना टी इंटू में क्या लिखा था, एल बटा में थीटा। तो देखो शाफ्ट की इकाई लंबाई, ये लंबाई इकाई में इकाई मरोड़ उत्पन्न करने, सॉरी मरोड़ यहाँ आएगा, उत्पन्न करने वाले टॉर्क को शाफ्ट की टोर्जनल रिजिडिटी कहते हैं। मतलब वही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इकाई लंबाई में इकाई मरोड़ उत्पन्न, मतलब मरोड़ चालू करना है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उससे पहले की स्थिति को टोर्जनल रिजिडिटी कहते हैं। आसान भाषा में समझा चुका हूँ, डेफिनेशन बता चुका हूँ, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो किसी काम की नहीं है, काम की चीज़ आपको दो बता चुका हूँ। देन अपने बात करते हैं, इससे आगे अपने बात करेंगे यूनिट के बारे में, यूनिट रहेगी आपको, यूनिट क्या होती है इसकी, मैंने आपको शायद उसकी भी नहीं बताई है, दो तीन चीज़ों की यूनिट बतानी रहेगी है, मैं वापस से डिस्कस करेंगे, मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं फिर आप मुझे कहोगे आप बाद में बैठे मुझे गालियाँ निकाल रहे हो। देखो इसकी जो यूनिट होती है पोलर मॉडुलस, हाँ पोलर मॉडुलस की यूनिट बताता हूँ आपको। सबसे पहले पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया की यूनिट के बारे में बात करते हैं, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था, मेरे माइंड से स्किप हो जाता है यार कई बार, माफ़ कर देना। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया का यूनिट क्या होती है, मीटर की फोर, बस ये बात याद रखना, क्या होती है मीटर की फोर, कैसे होती है। अब आप ये कहोगे पाई बाय 16 डी की पावर 4, सॉरी 64 डी, 64 नहीं 32 आएगा, 32 यार, मैं आपको इसको नए पेज पर समझाना पसंद करूँगा, रुक जाओ। देखो सबसे पहले अपने आई की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया इसकी यूनिट क्या होती है, देखो पाई बाय 64, अपने शाफ्ट के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, मैं फालतू की बात नहीं समझाऊंगा, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, डी फोर, तो इनकी तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो इसकी यूनिट होगी मीटर की फोर। ठीक है, उसी प्रकार से अपने जे की बात करें, क्या है जे, ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इसकी भी यूनिट क्या होती है, देखो पाई बाई 32 डी की पावर 4, तो यूनिट क्या होगी उसकी, इसकी यूनिट हो जाएगी अपने पास एम की 4। अब इसके आगे बात करते हैं अपने जेड पी, ये क्या है, पोलर मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं। इस ये क्या होता है, जे अपॉन में आर होता है, जे की यूनिट एम की पावर 4 है, बटा में आर की यूनिट अपने पास क्या है, एम है, मीटर, एम मतलब क्या है, मीटर है, मैं फिर कन्फ्यूज मत हो जाना, एम का मतलब आपको सभी को पता होगा, कट गया तो एम की पावर 3, याद रखना ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपने सीधा टॉप, फिर बता रहा हूँ, एम की पावर 4, मीटर, मीटर की पावर 4, मीटर की पावर 4, मीटर की पावर क्यूब। अब अपने टॉपिक पे मूव करते हैं, कहाँ गया अपना प्यारा टॉपिक, हाँ तो यूनिट के बारे में बात करते हैं इसके अंदर, तो सी इंटू आई पी, आई पी के रिगार्डिंग अपने बात कर लेते हैं, हाँ यहाँ बात करूँगा सी इंटू आई पी, ठीक है सी, ये क्यों लिखा है मैंने, हाँ सी इंटू आई पी न्यूटन मीटर स्क्वेयर इंटू में एम की पावर 4, इससे ये काट दिया तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर, तो टोर्जनल रिजिडिटी की यूनिट क्या है, मरोड़ दृढ़ता, मरोड़ दृढ़ता की यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर। आसानी से समझा दिया, कंफ्यूज मत हो जाना, तीनों चारों चीज़ों की यूनिट समझा चुका हूँ। अब आगे एक दो बात हो रहा है, देखिए हाँ इससे अभी पीछे अपने देख के हटे थे ना, कहाँ गया ये रहा, ठीक है हाँ, इस चीज़ से अपने एक चीज़ बाहर निकल के आती है, सी क्या है, सी इंटू में जे जो है वो प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा के, यदि एंगल ऑफ ट्विस्ट बढ़ेगा तो सी इंटू जे भी अपना क्या होगा, कम होगा, टॉर्जनल रिजिडिटी उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, एंगल ऑफ थीटा पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद कर्मानुपाती कुछ ऐसा है, तो आप वो देख लेना। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ये एनिमेशन वगैरह हो गया। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में जो मैंने नया ऐड किया, जो मुझे लगता था कि मैंने आपको, मैंने, मेरा प्लान पहले ये था कि मैंने आपको ये टॉपिक कैसे समझाऊंगा, थ्रू एमसीक्यू समझाऊंगा, पर मैं इसको भी ऐड ऑन कर रहा हूँ, इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी सॉफ्ट है, पहले डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये सॉफ्ट है तो ये एक साइड से बैरिंग में फंसी हुई है तो दूसरी साइड से घूम रही है, आपको आई होप मेरा पेन दिख रहा होगा, तो ये घूम रही है ना, इसका कुछ ना कुछ सेल्फ वेट भी होगा, आप इस चीज़ को समझोगे, इसका कोई ना कोई साफ्ट का सेल्फ वेट भी होगा, उस कारण से ये साफ्ट यहाँ भी झुक सकती है, ये साफ्ट बीच में से मतलब ऐसे भी झुक सकती है, तो इस प्रकार से ये बेंडिंग मतलब नमन कहते हैं सर, हाँ तो बेंडिंग भी उत्पन्न होता है, मतलब बेंडिंग मूवमेंट भी उत्पन्न होता है, बेंडिंग स्ट्रेस भी उत्पन्न होता है, और मरोड़ तो होता ही होता है, तो इन दोनों के रिगार्डिंग जो फॉर्मूलाज वगैरह अपने पास हैं अपने उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने डेफिनेशन पे बात करते हैं, हिंदी वाले घबराना मत, इंग्लिश में लिखी हुई आपको आसान बात समझ समझा दूंगा, आप जो मर्जी लैंग्वेज में लिखना, जिस लैंग्वेज में आपको पसंद है। देखिए व्हेन ए सॉफ्ट इज ट्रांसमिटिंग टॉर्क एंड पावर, जब कोई सॉफ्ट है वो टॉर्क को संचरित करती है, ऊर्जा को संचरित करती है, इट इज सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस लगता है, कृतन प्रतिबल लगता है, ये अपने बात कर चुके हैं सभी चीज़ों के बारे में, तो इस चीज़ में आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। एट द सेम टाइम उसी समय, ठीक है जब वो टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है, जब वो टॉर्क संचरित कर रही है, द सॉफ्ट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी एंड सेल्फ वेट, मतलब उसके खुद के वेट के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें एक बेंडिंग मूवमेंट भी लगेगा, कि यदि वो इस प्रकार से है तो वो अपने अपने वेट के कारण नीचे झुकने की कोशिश करेगी सॉफ्ट। इतनी बात है, पेन से समझा रहा हूँ, वो पेन के द्वारा समझो अभी आप, तो ये जो सॉरी हाँ तो ये जो बेंडिंग मूवमेंट है ये नीचे झुकने की कोशिश करेगी, ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट बेंडिंग स्ट्रेस इज आल्सो सेट अप इन द सॉफ्ट। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, अभी उसके ऊपर एक एक करके अपने बात कर लेंगे, ठीक है ऐसे हुआ ही है बेंडिंग स्ट्रेस का, अभी वो भी अपने देख लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है तो बेंडिंग मूवमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस भी उत्पन्न होता है। अब अपने बात करें बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है, सबसे पहले अपने उसके बारे में बात करें, बेंडिंग मूवमेंट का प्रतिरोध करने वाले स्ट्रेस को अपने क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। इतनी बात से आपकी बात क्लियर करता हूं मैं, क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेस, देखो इसके ऊपर बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, ये ऐसे झुक रही है, ठीक है ये जो सॉफ्ट है ये ऐसे झुक रही है, पर अगर मैं इसको टाइट पकड़ रहा हूँ और यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ या इसके सेल्फ वेट के कारण ये झुक नहीं पा रही है, ठीक है तो इसकी बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, ज़्यादा है, इस चीज़ का प्रतिरोध जो करता है बेंडिंग मूवमेंट का, तो उसको उस स्ट्रेस को अपने बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। हैंस
ईच पार्टिकल इन द साफ्ट सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। मुंह दुखने लग गया आज मेरा। तो चलिए बात करते हैं कि हर एक पार्टिकल जो साफ्ट के अंदर है उसके ऊपर दो चीजें अब लग रही हैं, दो कंसेप्ट अपने सामने आ गए। पहले तो अपने सिर्फ टोर्जन पढ़ रहे थे, अब आपको बेंडिंग स्ट्रेस में भी घुसा दिया, उस चीज को भी अपने समझेंगे। दो चीजें लग रही हैं, बेंडिंग स्ट्रेस प्लस शेयर स्ट्रेस। आई होप आपको इतनी बात समझ आती होगी। अब अपने डिस्कशन करते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर अपने बात करते हैं कैसे क्या होता है। बेंडिंग इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, कहाँ से आई कैसे आई मत पढ़ना, और ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है, ना ही आपको समझने की जरूरत है। तो वैसे बेंडिंग जो एम आई वाले फ़ोन नहीं होते, वो एम आई क्या होता है, हाँ, सिग्मा अपॉन में वाई ई अपॉन में आर, मैं भी भूल जाता हूँ कई की बार। तो हाँ देखिए बात करते हैं, एम आई वाले फ़ोन सिग्मा वाई इज इक्वल टू ई आर, ये होता है क्या है, ये बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है, नमन समीकरण आप कह सकते हो बेंडिंग इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को तो अपने को क्या निकालना है, अपने लिए यूजफुल क्या, एक तो मूवमेंट वगैरह होगी या ये स्ट्रेसेस, तो अपने इतना ही हिस्सा इसका लेके चलेंगे, ठीक है। अपने लिए यूजफुल क्या है, एम आई इज इक्वल टू सिग्मा बी आएगा यहाँ पे, बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन में वाई। इसके बारे में बात करता हूँ मैं, आपको समझाना प्रेफर करूँगा। एम मतलब क्या है, अघूर्ण मूवमेंट क्या होता है, अपने एक्स पे किसी मतलब एक दूरी पे फोर्स लग रहा और उसको घुमाने वाले प्रोसेस को मूवमेंट कहते हैं। कोई ज़्यादा अंतर घुसने की जरूरत नहीं है आपको, मूवमेंट नॉर्मल याद रखना है। एम का मतलब क्या है, मूवमेंट। आई क्या है, अभी पीछे रामकथा गा के हटे, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया होता है। सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है, नमन प्रतिबल है। वाई की बात करते हैं, वाई क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। सपोज करो मैं अभी आपको वाई समझा देता हूं, मैं अभी आपको वाई समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट वगैरह तो आपको सबको पता ही है। तो ये मानो अपने साफ्ट की बात कर रहे हैं, ये साफ्ट का फ्रंट व्यू है, ये जो एक्सिस है ना यहाँ पे, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये एक्स एक्स है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इससे सेंटर की दूरी, किसकी दूरी, सॉरी एक्सिस से सेंटर की दूरी। तो ये जो होती है ये वाई होती है, और साफ्ट के लिए ये आर के बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है। इस चीज़ को समझ लेना, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया मैं फिर रिपीट करने के लिए रेडी हूँ, पर इस चीज़ को समझ लेना कि यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस ये है साफ्ट के लिए, यहाँ से सेंटर की दूरी को अपने वाई कहते हैं और इसी को अपने रेडियस कहते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होगे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन अपने बात करते हैं, अपनों ने बात की एम अपॉन में आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन में वाई। यार इंजीनियरिंग हो, इंजीनियर में हो, थोड़े से अभी डेरिवेशन फॉर्मूले वगैरह भी देख लो कैसे निकलते हैं। अपने को सिग्मा बी से मतलब है, बेंडिंग स्ट्रेस से मतलब है, तो इसको पटको यहाँ पे, तो एम अपॉन में आई इंटू में वाई इज इक्वल टू सिग्मा बी। इतनी बात आप समझ गए होगे, इतना कंसेप्ट आप समझ गए होगे, इस चीज़ में आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एम को एज इट इज रखते हैं, कुछ नहीं चेंज करना। सर्कल के लिए अपने सॉलिड साफ्ट के लिए अपने मान के चलते हैं, तो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, पाई बाय 64 डी की पावर 4, यही बात थी, वही चीज़ अपने नीचे लिखेंगे, पाई बाय 64 डी की पावर 4 इंटू में डी बटा में 2, ठीक है, लगभग ये किसके बराबर हो गया, वो उसी अपने कंसेप्ट के बराबर, क्या पोलर मॉडुलस के बराबर, फिर भी अलग चीज़ है तो अपने समझेंगे इस चीज़ को। काटा, ये भी काटा पीटी करो, वो बन जाओ कसाई, बन जाते हैं अपने कसाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, मुझे लगता है मैं आज ज़्यादा ही हंस रहा हूँ, पता नहीं क्यों, पर बढ़िया मूड में है, पढ़ते हैं अपने। हाँ तो अपने बात करते हैं सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या है, अब अपने क्या देख सकते हैं, यहाँ पे 32 रह गया, तो 32 एम बटा में पाई डी 3। इतनी बात किस किस को समझ नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसको आ गई है वो दोबारा से फिर समझ लो। ये फॉर्मूला था, इसको वाई यहाँ पे पटक दिया अपनों ने, पेन चेंज कर लूँ आपको कन्फ्यूजन ना रहे, हरा पेन लेंगे इस बार,
तो वाई यहाँ इधर पर रख दिया, इसकी वैल्यू रख दी पाई बाई 64 डी फोर, वाई की वैल्यू रख दी डी बटा बे टू, तो इससे अपने पास क्या निकल गया, 2 से इसको काटा 32 और यहाँ पे डी से एक डी कट गया, तो अपने पास निकल के आता है, मैं एक बार रीचेक कर लूँ। देखो मैं हमेशा रीचेक करता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं इस चीज़ में परफेक्ट नहीं मानता अपने आप को, मैं चेक करता हूँ। तो ये चीज़ अपने पास निकल के आ चुकी है, कहाँ से आई कैसे आई ये चीज़ आप समझ चुके हो। बेंडिंग स्ट्रेस का अपने पास फॉर्मूला कह सकते हो, इक्वेशन कह सकते हो, निकल के आ गई। सेम कंसेप्ट अपने मूव ऑन करते हैं होलो शाफ्ट के लिए, साथ साथ पैरेलल लेके चल रहा हूँ मैं, फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए होलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट दोनों पैरेलल लेके चल रहा हूँ। मेरे को लगता है आपकी क्लास भी अपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, पर आज आपका चैप्टर खत्म कर देंगे। तो होलो शाफ्ट और पैरेलल शाफ्ट की बात करते हैं, और सॉरी पैरेलल क्या, सॉरी होलो और सॉलिड शाफ्ट की बात करते हैं। तो वही अपने बात करनी है, एम पाई बाई 64 डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 इंटू डी बटा में 2। इतनी बात है, इतनी बात आई होप समझ गए होगे, आपको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए कहाँ गया मेरा पेन, एक तो ना ये पेन दिखता नहीं है, इसको इससे काटते हैं तो ऊपर यहाँ 32 है, 32 एम, यार 32 एम थोड़ी दिखना है, 3 एम लिख रहा हूँ मैं। हाँ तो ये इसी पेन से लिखेंगे, 32 एम इज इक्वल टू पाई, अभी इसको ना ऐसे लिख दो डी बटा में डी की 4 माइनस डी की 4, इसको ऐसे लिख दो आपको समझ आ जाएगा, ये बेचारा पाई अकेला रह गया, पाई को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इतनी बात है, इतना कंसेप्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या निकाला है अपनों ने, ये सिग्मा बी निकाला है, बेंडिंग स्ट्रेस निकाला है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात आपको दो चीज़ें समझाई है वो समझ आ गई होगी। अब अपने आगे बात करते हैं, एक फॉर्मूला यूनिवर्सल, टी मैक्स इज इक्वल टू पाई बाय 16 टो डी 3। हाँ ये कहाँ काम आएगा अभी बताता हूँ, ये बस सोचने ये क्या फालतू की बातें करा रहे हैं, अभी आपके काम आएगा कहीं ना कहीं। एक तो ये बात याद रखना और दूसरा सेकेंडली अपने ये बात याद रखेंगे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके काम में आएगा, तो इसलिए इसको ये मत सोचना कि कैसे कहाँ से मैंने आपको करवा दिया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, अपने आगे बात करते हैं, ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। हाँ चल भाई, हाँ तो यहाँ से अपने को बेंडिंग स्ट्रेस और सॉरी शेयर स्ट्रेस निकालना है, टो की वैल्यू निकालनी है, तो उसको कैसे निकालेंगे, टी इंटू में 16 पाई डी 3। तो यहाँ से निकल गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होलो शाफ्ट के बारे में बात की जाए, होलो शाफ्ट के बारे में क्या होगा, टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 तो डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 बटा में डी, ये होगा। इतनी बात है, इसको अपने उधर लेके जाएंगे तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू में 16 पाई इंटू डी बटा में डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4। इतनी बात है, इतना कंसेप्ट है, दो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, कहाँ से कैसे निकली है मैंने फिर बता दिया, याद रख लेना। अभी कुछ फॉर्मूला वगैरह देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, फिर अपने आगे चलते हैं। हो थक गया आज मैं थोड़ा सा, मेरी एनर्जी लेवल आई होप कम नहीं लग रही होगी, लग रही है तो जो पढ़ाने का वे है वो अपने कम नहीं हुआ है, तो उस चीज़ के बारे में आप मत सोचना। तो देन अपने बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं, मैंने कितने खाली पेज छोड़ रखे हैं, बहुत छोड़ रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने बात करते हैं एक दो चीज़ों के बारे में, है मैक्सिमम नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बी की स्क्वेयर, नहीं 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको रेज करो, जरा लिख दिया, हाँ सिग्मा बी बटा में 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा बी की स्क्वेयर यहाँ आएगी बटा में 2 प्लस टो की पावर 2। ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस का, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसी से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, मतलब कैसे पूछता है वो बात करते हैं, पर ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, किस चीज़ का, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस का ये फॉर्मूला है। अब अभी पीछे अपने कुछ बातें करके हटे हैं, ये टो हो गया और सिग्मा बी हो गया, तो इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है, इसकी वैल्यू आके अपने रखनी है यहाँ पे। अब अपने कंसेप्ट समझते हैं, अब आपको कंसेप्ट समझने में भी थोड़ा समझ आएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू, देखो सिग्मा बी को अपने क्या लिखते, क्या लिया था अपनों ने, सॉरी हाँ ये लिखा हुआ,
32 एम पाई डी की पावर 3, यही लिया था 32 एम 2 इंटू पाई डी की पावर 3 प्लस यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट लेंगे 32 एम बटा में 2 इंटू पाई डी की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को स्क्वेयर में करना है, स्क्वेयर में कर दो पूरे फुल फॉर्मूले को, ठीक है। हाँ, इसको पूरे को स्क्वेयर में लेना है, सिर्फ सिग्मा बी को नहीं, पूरे का पूरा फॉर्मूला स्क्वेयर में है। प्लस ये अंडर रूट आ गया, यहाँ आपने लिया था 16 टी बटा में पाई डी 3, इतनी बात है, समझ आ गई होगी। इसको भी स्क्वेयर में ले लो, अभी इसको यहाँ से काटा 16, इसको यहाँ से काटा 16, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत हो जाना, सिंपल मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ आपको, कहोगे मैं दोबारा से समझा दूंगा, सिर्फ वैल्यू पुट की है अपनों ने इसके अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ रही है 16 पाई डी 3, सभी पूरे के पूरे तीनों चीज़ों में से कॉमन आ रहा है, तो अपने कॉमन ले सकते हैं, आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स लिख लो इसको, ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं अपने, तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 16 पाई डी 3, इतनी बात आप समझ गए हो। उसके बाद में क्या होगा, एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वेयर प्लस टी। ये किस किस को समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपको, आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा से समझो, और आ गया तो आप फिर से समझो, ठीक है। क्या किया, 32 इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, 32 एम बटा में 2 पाई डी 3, ये चीज़ रख दी, प्लस में अपनों ने अंडर रूट में क्या लिखा, 32 इंटू में एम बटा में 2 पाई डी 3, यही चीज़ लिखी हुई है का स्क्वेयर, प्लस अपनों ने 16 टी टो की वैल्यू रखेंगे पाई डी 3, टो की वैल्यू भी अपनों ने रख दी है, इस चीज़ को काट दिया तो सभी जगह 16, यहाँ पे भी 16, तो कॉमन निकाल लिया अपनों ने, यहाँ नीचे आप देखोगे यहाँ पे, तो इस चीज़ को अपनों ने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। इतना बात आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से इसको कॉमन निकालने के बाद में, हाँ मैं वो बता रहा था, तो ये एम बचा, यहाँ पे एम की स्क्वेयर बची और यहाँ पे टी की स्क्वेयर बची, बाकी सारा कुछ बाहर आ गया, और ये अपना क्या है, ये अपना है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस फॉर बेंडिंग एंड टोर्जन के लिए, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से समझा दूँ, मैं टेलीग्राम पे वीडियो बना के अलग से आपको डाल दूँगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया, ठीक है। अब अपने बात करते हैं मिनिमम नॉर्मल, इसको नॉर्मल स्ट्रेसेस भी कह सकते हैं, इसको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी अपने कह सकते हैं, तो इस चीज़ में आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। तो सिग्मा मिनिमम क्या होता है अपने पास, सिग्मा बी की बटा में 2 प्लस माइनस, हाँ माइनस, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता हूँ उसके लिए सॉरी, हाँ सिग्मा बी बटा में 2 की स्क्वेयर प्लस में अपने लेंगे यहाँ पे, हाँ तो भी मैं एक बार रीचेक कर लूँ, मैं बार बार कहता हूँ मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, मैं बार बार रीचेक इसीलिए करता हूँ, मुझे आता है पर मैं फिर भी अपने पास कॉपी लेके बैठता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए, आपको वहाँ जाके मुझे गालियाँ मत निकालो। तो वही सेम कंसेप्ट है, वही पिछले वाली बातें हैं, आप इस चीज़ को निकाल के देखोगे, ये आपके लिए आप होमवर्क समझ लो चाहे, ठीक है, होमवर्क समझ लो, आप इस चीज़ को निकाल के देखोगे कि कैसे क्या होता है। यार मैं यहाँ पे ना आपको होलो भी समझाना चाहता हूँ, पर अपने उसके बारे में कंसेप्ट में बात कर लेंगे, ठीक है। सिग्मा मिनिमम क्या होता है अपने पास, अब अपने पास क्या आएगा, पाई बाय टॉर्क मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, खिचड़ी पक रखी है ना दिमाग में वो भूसा भर रखा है, तो 16 पाई डी 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, एम माइनस अंडर रूट एम की स्क्वेयर प्लस टी की स्क्वेयर, इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने आपको इतनी बात आपको समझा दी है, ये कहाँ से आया कैसे आया वो भी बता दिया, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अभी एमसीक्यूज करेंगे अगली क्लास में, तब आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ जाएगा। आई होप दो चीज़ें समझ आ गई हैं, अब अपने इसी को अपने होलो के अंदर देख लेते हैं, अरे ख़त्म हो गया क्या, आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए,
अभी इसके अंदर अपने इसी चीज को पहले अपने होलो में देखते हैं, इस चीज को मिनिमम स्ट्रेसेस को अपने होलो में देखते हैं। होलो में क्या, सिंपली अपने 16d/π d^4 - t^4 नहीं समझ आए आप निकालना, निकालने के बाद अगर आपको नहीं समझ आए देन आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम पे मैं लगभग सभी का जवाब देता हूँ, मेरे पास कोई इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, मेरे कोई इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो सभी का जवाब मिलता है। ये तो हो गया मिनिमम, ठीक है, थीटा सॉरी सिग्मा मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम की बात करें, सिग्मा मैक्सिमम जो भी ये पीछे अपने बात करके हटे इसके बारे में, तो होलो के लिए, किसके लिए ये होलो के लिए, कन्फ्यूज मत हो जाना यार, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, रुक जाओ, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सिग्मा मैक्सिमम किसके लिए, होलो के लिए। अभी सॉलिड के लिए अपने समझ चुके हैं, आप उस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मैक्सिमम क्या होगा, 16d/π d^4 - t^4 इसी बात m प्लस √m² + t^2 ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप इतनी बात समझ गए, निकालना है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, रटना मत, निकालना। सबसे पहला निकाल के दिखा दिया, यहाँ पीछे अपनों ने बात कर चुके हैं कैसे निकालना है, कहाँ से फॉर्मूले आए हैं वो अपने बात कर चुके हैं, आप अब निकालना, आपको होमवर्क है ये। देन मिनिमम बात करेंगे अपने 16d^4 - t^4 / m यहाँ -√m² + t^2 दो बातें ये हो गई होलो के लिए। याद रख लेना, भूलना मत, रिक्वेस्ट वाली बात है, अगर आप भूल गए तो आप स्वाहा हो जाओगे, वहाँ पे कोई मतलब वाली बात नहीं, आप इस चीज़ को भूलना मत। नोट डाउन, वीडियो स्टॉप करके आप नोट डाउन कर सकते हो, कैसे निकला वो आप देख सकते हो, मेरे पास सॉरी पेज कम रह गए थोड़े से, तो इसको रेज करते हैं। देन अपने बात करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की। बेंडिंग स्ट्रेस निकालना सीख लिया, मैक्सिमम भी मिनिमम भी, अब अपने लिए इंपॉर्टेंट है शेयर स्ट्रेस निकालना। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बी मैक्सिमम माइनस सिग्मा बी मिनिमम, अभी जो अपने पीछे बात करके हटे हैं वो बटा में 2। ये इस चीज का फॉर्मूला है, इस चीज को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीधा फॉर्मूला याद रखो, कोई फालतू की बात मत याद रखना, सीधा फॉर्मूले पे आपको अवगत करवा रहा हूँ तो उसी को याद रखना। पहले आपको बता दिया कहाँ से निकले हैं फॉर्मूले, इस चीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपको सीधा फॉर्मूला ही बता रहा हूँ। तो इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो अपने पास निकल के आएगा, आप सोल्व करके देख लेना, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आप लोगों का, आपके लिए भी कोई काम होना चाहिए, इसलिए आपको होमवर्क ही आपको दे रहा हूँ। तो इसके लिए निकल के आएगा 16d^3 √m² + t^2 ये चीज़ निकल के आती है। इस चीज़ को आप याद रखोगे, क्या है ये, तो मैक्सिमम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ एक बात और, ये इस चीज़ को सिर्फ जो अंडर रूट ही मैंने गलत बनाया है, m/t^2 = इस चीज़ को अपने क्या कहेंगे, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसको कहते हैं इक्विलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। मैंने ये चीज़ लिख रखी है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको ये कह दूँ कि हाँ आप यहाँ से मेरे को सब कुछ आता है, नहीं आता मुझे सब कुछ, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, पर आपको जो बता रहा है वो सब कुछ बता रहा हूँ आपको। इतना कंसेप्ट था, इतनी बात थी, आसानी से आपको समझा दी। होलो के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 16d/π d^4 - t^4 √m² + t^2 ये किस चीज़ के लिए, ये होलो के लिए। आज का सेशन मैं टाइम नहीं देखता जब पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता आज का सेशन 1 घंटे से ऊपर हो गया या कैसे हो गया, पर मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो इतनी बात थी, छोटा सा कंसेप्ट था, अपनों ने उस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। देन कुछ बातें रह गई हैं,
अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन अपने यहीं एंड करते हैं, आज की क्लास अपने यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नया टॉपिक जो आपको ये मूवमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस वाला दिया, ये आपको समझ आएगा। MCQs करेंगे, कल का सेशन इतना लंबा नहीं होगा, आसानी से आधे घंटे में अपने कंप्लीट करके एक MCQs लगाएंगे, उसके बाद में एक क्लास MCQs की स्पेशल आएगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम पे ज्वाइन करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, MCQs वगैरह मिलते रहे। जब भी अपनी कोई वीडियो अपलोड होती है आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, अपने ग्रुप के अंदर आसानी से आप कुछ भी कोई भी बात कर सकते हैं। तो आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।